फिर ऐसा देखो यूएस कैसे आपकी कैसे होंगे। तो आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज मुझे कपड़े भी धो रहे थे, और जल्दी उठने का फायदा ही नहीं होता क्योंकि हमारी 8:30 बजे लाइट चली जाती है। अभी भी आप देख रहे हैं घर पे पूरा अंधेरा हुआ हुआ है, और चार्जिंग वाला पंखा भी ऑन किया हुआ है, जगह भी बिल्कुल भी नहीं सुनता क्योंकि अभी सुबह का टाइम है और अभी 9 बजे है, और देख रहे चार्जिंग वाला पंखा भी ऑन है और सामने मैंने विंडो खोली हुई है तो उसकी वजह से घर पे बहुत ज़्यादा रोशनी है, और चार्जिंग वाला पंखा चल रहा है आप देख रहे हैं, और कपड़े भी मैंने धोने थे तो उसकी वजह से नाश्ता वगैरह अच्छा बना के अभी मैं खा रही हूँ। और अभी मैं अपना पूरा घर समेटूंगी, अपना बेड दिखाती हूँ, फिर मुझे लाइट आएगी तो मुझे कपड़े भी। तो अभी ये पूरा मेरा कमरा बिखरा हुआ है क्योंकि जफर चले गए हैं, और ये चार्जिंग वाला पंखा चल रहा है, वो तार लगी हुई है, और ये हमारी विंडो खुली हुई है, और उसकी वजह से इतनी घर में रोशनी है, और ये मैं जो कपड़े धोने मेरे कपड़े पड़े हुए हैं। तो जी ये मेरे अपने अपना जो गेट है इसको खोल देती हूँ ताकि रोशनी आए, और ये खोल के रखती हूँ तो घर में थोड़ी रोशनी लगती है। मेरे कपड़े पड़े हुए और मशीन मेरी बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, आप देख रहे हैं, क्योंकि इसमें रात को ही पानी भर के रख देती हूँ, और क्योंकि अभी लाइट नहीं है तो और भी चीज़ कि मेरा किचन पूरा पड़ा हुआ है क्योंकि मैंने सफ़र को नाश्ता वगैरह करवा दिया है, और अभी ये भी समेटती हूँ जब तक लाइट आती है, तो फिर मैं ये सारा समेट के फिर अपने कपड़े धोऊंगी। और अभी 10 भी नहीं बचे और बाहर की धूप बिल्कुल, और ये है मैं हमारे ऊपर मकान, धूप देखे ऊपर बहुत ज़्यादा, और अभी से इतनी गर्मी हो रही है घर में, और अभी सुबह का टाइम है और लाइट भी नहीं है, यहाँ पे यही इशू होता है, बहुत ज़्यादा लाइट का इशू है। और अभी मेरे कपड़े पड़े हुए हैं वो अभी मुझे धोने, और उससे पहले मैं अपना पूरा कमरा अपना घर समेट लूँ। अच्छा जी, तो 10:30 हो गए हैं और लाइट आ चुकी है, और मैंने कमरा किचन सब समेट लिया, मशीन भी लगा दी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लाइट आने से पहले काम शुरू कर लिया था। मैंने अपना कमरा समेट लिया है और चार्जिंग भी लगा दी है क्योंकि लाइट का बहुत इश्यू है, पूरा किचन भी समेट लिया है और मशीन भी मैंने लगा ली है। तो ये जी मेरी मशीन है जो मैंने ऑन कर दी है, और इसमें अभी पहला चक्कर मैंने डाला है, और अभी लाइट आई है तो मैंने ऑन की है जल्दी से। ये अभी भी मेरे कपड़े सब पड़े हुए सारा समेट लिया मैंने। और अच्छा जी, तो मैंने पूरा अपना किचन विचन सारा कुछ समेट दिया, और मैंने मशीन भी लगा दी है, और 12 बजे फिर हमारी लाइट चले जाएगी 12:30 बजे, और 2:45 बजे तक आएगी, और उससे पहले मुझे कपड़े भी धोने हैं, घर का काम पूरा समेट के फारिग होने, क्योंकि लाइट चली जाएगी तो पूरे काम रुक जाते हैं, और इतनी लाइट का इशू है यहाँ पे, और काम करने में कपड़े धोने में बहुत मुसीबत हो जाती है। तो इससे पहले कि लाइट जाए तो मैं अपने काम खत्म करके फिर आपसे मिलाकर। अच्छा जी, तो मेरे कुछ कपड़े रह गए हैं और काफ़ी मैंने कपड़े धो लिए, और कैसे धोती हूँ किस तरह धोती हूँ आपसे शेयर करती हूँ, जितने कपड़े मेरे रह गए मैं आपको दिखाती हूँ। और कपड़े भी मेरे बहुत ज़्यादा थे जो मैंने वॉश किए आज, और चले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अभी कितने कपड़े धो लिए और धोने वाली हैं। अच्छा, ये मेरे कपड़े सारे जो मैंने धो लिए, और ये साथ मैंने फ़ैन ऑन किया हुआ है क्योंकि गर्मी बहुत लग रही होती है, और अभी लाइट हमारी है 12:30 बजे तक जाएगी। कपड़े मैंने निकाल के यहाँ पे रखे हुए हैं, अब मैं इसको वहाँ पे जगह है रस्सी पे वहाँ पे डालूंगी, और ये भी मैंने निकाल के रखे अभी मशीन में भी है, और ये भी अभी निकालूंगी, इसको भी वॉश करूंगी। यहाँ पे मैं खड़ी होकर अपने कपड़े निकाल रही होती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ सकती क्योंकि मेरा बेबी आने वाला है और कुछ मंथ ही है, और यहाँ पे खड़ी होकर मैं सारे कपड़े ये मैंने अपने हाथों से निकाले हैं, और ये पीछे भी हैं सारे जो मैंने आपको दिखाए हैं, और जो भारी कपड़े वो बैठ के फिर मैं निकालती हूँ शीटें वगैरह, और जो हल्के हल्के कपड़े यहाँ पे खड़ी होकर निकालती हूँ, और हमारे नल में पानी इतना कम आता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो हमारे नल में देखिएगा कितना पानी आता है, हाँ ये चीज से ज़्यादा पानी नहीं आता, और ये साथ मैं ऑन कर देती हूँ और साथ साथ निकालती जाती हूँ, और जो भारी कपड़े होते हैं वो फिर मैं साइड पर डाल देती हूँ ताकि अच्छे से पानी निकल जाए, और शीट वगैरह मैं वहाँ पर बैठ के
धो लेती हूँ। और अभी इसमें है पेंटे वगैरह, ये भी निकाल के फिर मैं बैठ के करूँगी। बाकी इतनी देर मैं इस वजह से नहीं बैठ सकती क्योंकि मेरी तबीयत ऐसी है कि ज़्यादा बैठ के नहीं कर सकती। और बाकी ये सारे कपड़े मैंने हाथ से खड़ी होके वॉश करके ये सारे मैंने डाले हैं, और वो भी अभी डालूंगी, वो भी अभी मैंने निकाल के रखे हैं। जी तो हमारी जा चुकी है लाइट, और एक चक्कर रह गया था वो मशीनरी हो गई है बंद, और जो निकले हैं अब जो इसमें है वो मैं निकाल के हाथ से करूँगी, और वो कपड़े मेरे पड़े हुए जो मैंने मशीन से निकाले थे। पूरा अंधेरा हो गया अब, जो मुझे वहाँ पे बैठ के करना पड़ेगा। और मैं आपको दिखाती हूँ हमारी लाइट चले गई है और मशीन का काम अभी भी पड़ा हुआ है। ये देखिए सब ऑन है, सब लाइटें वाटे सब ऑन है, लाइट हमारी चली गई है और काम अभी मेरा इतना पड़ा हुआ है कि लाइट की वजह से इतनी परेशानी हो जाती है। तो मैं जाके कपड़े धोती हूँ हाथ से क्योंकि काम ख़त्म करना है, गर्मी बहुत है, बहुत परेशानी हो जाती है। ये सारे कपड़े मैंने धो लिए, खड़े हो के नतारे मैंने, सांस भी गर्मी की वजह से बहुत अजीब सा हो रहा है। तो भी बस अभी अभी मैं फारिग हुई हूँ, और जैसे ही फ्रेश होके निकली हूँ तो वैसे ही लाइट आ गई है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा सेहन अभी भी गीला है, और पौने 3 बजे का टाइम है तो मैं अभी फारिग हुई हूँ सुबह से। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे और लाइट की वजह से बहुत टेंशन में हो ये सारे मेरे कपड़े धुल चुके हैं, और सेहन भी मेरा देख रहे अभी भी गीला, मैं अभी अभी फारिग हुई हूँ। और किचन भी मेरा, हाँ किचन भी देखे पूरा गीला है अभी। और 3 बज के समझो के अभी मैं फारिग हुई हूँ, और बाहर की धूप भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं दिखाती हूँ कुछ कपड़े मेरे, ये कुछ कपड़े मैंने वो दीवार के ऊपर डाले हुए हैं, और 3 बज चुके हैं और अभी भी बाहर देखे कितनी धूप है, अभी मैं फारिग हुई हूँ क्योंकि लाइट का काफ़ी इशू होता है। लगा दूँगी ताकि कपड़े थोड़े ड्राई हो जाए क्योंकि मेरा घर बहुत छोटा है, और कपड़ों जब कपड़े धोती हूँ तो उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से आज का ब्लॉग जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है, ये पूरे दिन क्या होता है जिस दिन कपड़े धोने हैं तो बड़ी टेंशन होती है। तो सुबह 8 साढ़े 8 बजे की मैं उठी हुई हूँ, और ये भी करना है, वो भी करना है, नाश्ता भी बनाना है, घर का काम भी करना है, और अभी जाके फारिग हुई हूँ जो 3 बज चुके हैं। और ये है कि ये थी पूरे दिन की मेरी रूटीन, और अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया, सुबह से लगी हुई हूँ कि मुझसे काम खत्म हो जाए। तो बस ये थी मेरे दिन की रूटीन जो मैंने आप लोगों से शेयर की।